बन रहा है। पीड़िता से दरिंदगी के बाद से लोग गुस्से में हैं, इंसाफ की मांग की जा रही है, लेकिन इसी बीच पुलिस से एफआईआर के सामने आने से बड़ा खुलासा हुआ कि चारों दरिंदों ने रेप के लिए पूरी प्लानिंग की और इसके लिए वारदात से 3 घंटे पहले साजिश रची गई थी। यानी पीड़िता को सोची समझी साजिश के तहत बलात्कार का शिकार बनाया गया और फिर उसे मार दिया गया। हैदराबाद रेप कांड में बहुत बड़ा खुलासा। दरिंदों ने वारदात से 3 घंटे पहले रची साजिश। पीड़िता को देखते ही बलात्कार की प्लानिंग कर डाली। जिस बिटिया के लिए पूरा देश गुस्से से उबल रहा है, उसके साथ दरिंदगी इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसे कानून की भाषा में कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं। एफआईआर से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 6 बजे के करीब पीड़िता स्कूटी से शमसाबाद टोल प्लाजा पर पहुंची। टोल गेट पार करने के बाद एक ट्रक के पास स्कूटी पार्क की। पास में खड़े ट्रक में चारों आरोपी पहले से शराब पी रहे थे। पीड़िता को देखकर आपस में भद्दी बातें करने लगे। पीड़िता स्कूटी पार्क करके टैक्सी से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी। इस दौरान आरोपी नवीन ने स्कूटी की हवा निकाल दी। करीब 3 घंटे बाद पीड़िता वापस लौट कर आई। पीड़िता वापस स्कूटी लेने के लिए ट्रक के पास पहुंची थी। इस दौरान आरोपी स्कूटी की हवा निकाल चुके थे और लड़की के साथ बलात्कार की पूरी साजिश भी रच चुके थे। करीब 9:15 बजे पीड़िता वापस आती है। पंक्चर देखने के बाद परेशान होती है। आरोपी मोहम्मद आरिफ और शिवा पीड़िता के पास पहुंचते हैं। पीड़िता की मदद करने का भरोसा दिलाते हैं। आरोपी नवीन स्कूटी में पंक्चर लगवा कर लाता है। इस दौरान 3 आरोपी पीड़िता से बात करने लगते हैं। स्कूटी को आरोपी नवीन ट्रक के पीछे झाड़ी के पास खड़ा करता है। इस दौरान पीड़िता मोबाइल पर किसी से बात करती है। फोन पर बात करते हुए पीड़िता स्कूटी के पास जाती है। इसी दौरान 2 आरोपी पीड़िता के हाथ पैर पकड़ते हैं और उसे घसीटकर झाड़ियों में ले जाते हैं। इतने में आरोपी नवीन चुप करने के लिए मुंह में शराब उड़ेल देता है। पीड़िता से मोबाइल छीनकर उसे स्विच ऑफ कर देते हैं और फिर पीड़िता की बुरी तरह पिटाई की जाती है। हैदराबाद की बर्बर वारदात के बाद देश के हर शहर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग गुस्से में हैं। हैदराबाद के निर्भया को न्याय के लिए हर ओर से आवाजें उठ रही हैं। इस बीच महिला आयोग ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। ये आक्रोश हैदराबाद की निर्भया के लिए है। हिंदुस्तान के तमाम शहरों से एक ही आवाज, बेटियों को दो महफूज दुनिया, देश की बेटियों को इंसाफ दो। हैदराबाद की डॉक्टर से बर्बरता ने हर किसी का सीना छलनी कर दिया। हर किसी का जहन गुस्से से भरा है। देश का कोई ऐसा शहर नहीं जहां आरोपियों के खिलाफ उबाल न हो। ये तस्वीरें तो बस वानगी भर है। सोचिए पीड़िता के परिवार का क्या हाल होगा। हैदराबाद की वारदात ने हर किसी को 16 दिसंबर 2012 की याद दिला दी है। ठीक वैसी ही अमानवीयता। ऐसा लगता है बस शहर बदला है और समय समाज नहीं। दो पुलिस स्टेशन आपस में लड़ते रहे कि किसके ज्यूरिडिक्शन में है। उस पूरे एपिसोड में 2-2.5 घंटे वेस्ट किए जो बहुत क्रूशियल थे, जिसमें एक जान बचाई जा सकती थी। यह आक्रोश हो भी क्यों ना, क्योंकि इन 4 दरिंदों ने वो किया है जिससे इंसानियत शर्मसार है। इतना ही नहीं, इन्हें बनाने वाले भगवान भी शर्मिंदा हैं। तभी तो मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। पीड़िता के घर सहानुभूति देने वालों से लेकर सियासी लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सीपीएम कार्यकर्ताओं समेत कुछ एनजीओ ने पीड़िता के हक में आवाज उठाई। वहीं महिला आयोग की टीम ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की है और हर तरह की मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही आयोग ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। हैदराबाद की घटना के बाद महिलाओं में गुस्सा बहुत ज्यादा है। वो भी क्यों ना, क्योंकि उन्हीं की तरह ही एक महिला को हैवानों ने निशाना बनाया।
महिलाओं में अपनी सुरक्षा को लेकर एक डर जैसा घर कर गया है। शायद यही वजह है वारंगल की एक महिला ने गन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। जिस तरह से लेडी डॉक्टर के साथ गैंगरेप, हत्या और जला देने वाली घटना हुई, वो हर किसी को परेशान करने वाली है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि पीड़िता के साथ जो कुछ हुआ वो मदद के नाम पर हुआ। अब इसका असर ये हो सकता है कि लोगों का मदद और मदद जैसी चीज से भरोसा उठ जाए और कोई भी मुश्किल में पड़े तो कोई मदद करने और मदद लेने ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हैदराबाद में क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि शहर में पहले एक लेडी डॉक्टर से दरिंदगी हुई और अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला इंजीनियर से बदसलूकी का आरोप किसी और पर नहीं, उसके ही दोस्तों पर लगा है। हैदराबाद में एक और बेटी से हैवानियत, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से दोस्त की दरिंदगी। उसने दोस्ती तो की थी जिंदगी भर साथ निभाने के लिए, जीवन साथी बनने के दिखाए थे सपने, लेकिन ऐसा जख्म दे गया जो अब जमीन पर बदहवास पड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जिंदगी भर सालता रहेगा। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैदराबाद के निजाम पेट में अपनी बड़ी बहन के साथ रहती है। बड़ी बहन अक्सर छोटी बहन की शादी को लेकर परेशान रहती थी, इसलिए उसने पीड़िता का कुछ दिन पहले ही मैट्रिमोनियल साइट पर बायो बनाया था। मैट्रिमोनियल साइट पर पीड़िता का आकर्षक प्रोफाइल देखकर उसके कांटेक्ट में जयचंद नाम का शख्स आया। किसी राजकुमार की तरह उसने पीड़िता को सपने दिखाए, साथ फिल्में देखी और दिखाई, लेकिन पीड़िता आरोपी जयचंद के इरादों को समझ नहीं पाई। धीरे धीरे जयचंद अपने जिन गलत इरादों के साथ आया था उस पर काम करने लगा। उसने पीड़िता को डराना धमकाना शुरू किया। पीड़िता की बहन के मुताबिक शनिवार को जब वो स्कूल गई थी तो उस दिन भी आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलने आया था और उसने 2 लाख रुपयों की डिमांड की थी, जिसके बाद दोनों में अनबन हुई। लेकिन वो जब स्कूल से लौटी तो घर पर ताला लगा था। कॉन्टेक्ट करने की लाख कोशिश की गई मगर हर कोशिश नाकाम रही। फिर पड़ोसियों की मदद से गेट का ताला तोड़कर जब अंदर दाखिल हुई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा था और बहन बेसुध पड़ी थी और शरीर से सारे सोने के गहने गायब थे। बहन ने जब पड़ोसी से पूछताछ की तो एक पड़ोसी ने बताया कि दोपहर 12 बजे के करीब घर से बहुत तेज आवाज सुनाई दी थी, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो घर में एकदम खामोशी थी, सन्नाटा था। पड़ोसियों के मुताबिक जब उन्होंने घर पर दोपहर 2 बजे के करीब नजर डाली तो वहाँ ताला जड़ा हुआ था। पीड़िता की बहन अपनी छोटी बहन के साथ अनहोनी से सन्न है। वो चाहती है कि उसकी बहन की इस हालत के लिए जो भी जिम्मेदार है उसे जल्द से जल्द उसके गुनाहों की सजा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।